तातार वाले पशु है हा? मैं ऐसा नहीं कहता। तो तुम कहना चाहते हो कि खुदा ने तुम्हें ऐश करने के लिए पैदा किया है, लेकिन हम कहते हैं कि ये कुफ्र है। खुदा ने हम इंसानों को बंदगी करने के लिए पैदा किया है, और जो इंसान इन उसूलों के खिलाफ जाता है वो जहन्नुमी है, काफिर है। रसूल पाक हमारी जिंदगी को पाक बनाने के लिए आए थे, हमें एक सच्चा इंसान बनाने के लिए आए थे, हमें हराम की तालीम देने के लिए नहीं। और आज तैमूर ने इस दुनिया को इस कुफ्र से आजाद कर देने का बीड़ा उठा लिया है। कसम रसूल पाक के कदमों की, काफिर नहीं, जहन्नुमी नहीं, खूंखार नहीं, लेकिन कुफ्र की सजा हमारे ईमान में मौत के सिवा और कुछ भी नहीं। उसने तातारी सिपा सलार की तरह कातिल नजरों से देखा और अपनी तलवार खींच कर खड़ा, और तत्क्षण एक देर सा आदमी तलवार सौतर यजदानी के सर पर आ पहुंचा। उधर तातारी सेना तलवार खींच खींच कर दूसरी सेना पर टूट पड़ी, और दम के दम में हजारों लाशें जमीन पर पड़ी। ऐसा वही रूप हुआ जो यजदानी के पीछे तालीम का तूने बीड़ा उठाया है। क्या इस्लाम तुझे यही तालीम देता है कि तू इन बहादुरों का खून बहाए जिनका सिर्फ इतना सा गुनाह है कि उन्होंने अपने रसूल और अपने इस्लाम की तामील की है? तू इन मुसलमानों को काफिर कहता है और समझता है कि तू इस्लाम की और खुदा की खिदमत कर रहा है, तो मैं तुझसे कहता हूँ अगर हम इस्लाम को नहीं मानते, अगर हम खुदा को अपना खुदा के सामने सजदा नहीं करते, तो फिर किसके सामने सजदा करते हैं? अगर तू हमें काफिर कहता है तो कौन मुसलमान है? हम काफिर ही सही, मगर तेरे कैदी तो हैं। बड़ी बेरहमी से 70,000 तुर्कों को सुरंग में उड़वा दिया, उनके लाखों बच्चों को और स्त्रियों को अनाथ कर दिया। क्या इस्लाम तुझे यही तालीम देता है कि तू इन कैदियों का खून बहाए? तूने बहते हुए खून के दरिया में अपने घोड़ों को नहीं उतारा, बल्कि इस्लाम को अपनी जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। हम वही तुर्क हैं जिनकी वजह से आज यूरोप में इस्लाम का झंडा फैला है। हम वही तुर्क हैं जिनकी वजह से आज गिरजाओं में अल्लाहु अकबर की आवाजें आती हैं। अपने दिल से पूछ, ये सारा जिहाद तूने खुदा की राह में किया है या अपनी रविश के लिए किया है? तुझे इसका जवाब मिल जाएगा, और जो जवाब मिलेगा वो तेरे सर को शर्म से झुका देगा। जहां बना क्षमा करे, ये गुलाम का लड़का है, इसके दिमाग में एक फितूर चढ़ा हुआ है कि गुस्सा की माफ करे। मैं इसकी सजा से मिलने के लिए तैयार। तैमूर स्थिर नेत्रों से उस युवक की ओर देखता है। अपने जीवन में पहली बार उसे